और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। ओके सो गाइस, कैसे व्हाट्सएप लोग, आज के वीडियो बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्त्री की नेमार्ट प्लस फोटो स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप स्त्री की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो यार मस्त लगने वाली। स्त्री की वीडियो बनाने से पहले गाइस आपको करना है क्या, वीडियो को ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान है उसे आपको प्रेस करना है। वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैं रख ली, डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले गाइज अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना। आप जिस फोटो का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो आपने उस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है, तो मैं इरेज कर ले तो। सो गाइज मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखी है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है। आपने इस डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस ऐप का यहाँ पर नॉर्मल सेंटर फेस है और यहाँ पर ऑप्शनल लोड है फोटो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने जिस फोटो का एज करना, आपने उस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सो गाइस यहाँ पर फोटो आ चुकी है और ऊपर टिक का निशान आपको टिक करना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, ऑटो, मैजिक, ठीक है, ड्रॉ। तो गाइस आपको क्लिक करना है ऑटो पे। क्लिक करने के बाद ये सर्कल आ चुका है तो मैं सर्कल को यहाँ सेट करता हूँ। और गाइस देख लीजिए फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका और ऊपर डन का निशान है, डन करना है। और यहाँ कुछ नंबर शो कर रहे हैं तो मैं सेट कर लूँ तो 3 और सेव पे क्लिक करा और फिनिश, ठीक है। गाइज ये फोटो सेव हो चुकी है हमारे मोबाइल में और अब ओपन करना है काइनमास्टर एप्लीकेशन। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद पर ऑप्शन वगैरह प्लस का आइकन क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर 3 साइज शो कर रहे हैं, आपको 1.1 वाला साइज सिलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन वगैरह मीडिया, आपको मीडिया पर क्लिक करना और आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने उस फोटो को सिलेक्ट करना है जो फोटो आपने इरेज की थी, ठीक है। सो यहाँ पर फोटो को 3-4 बार सिलेक्ट कर ले तो टिक पर क्लिक करा। गाइज देख लीजिए मैंने इतनी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, मैंने 4 फोटो सिलेक्ट कर ली। और अब करना क्या है, इन फोटो में ट्रांजिशन ऐड करना है तो मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको लेयर फॉर्स किस खिसकाने के बाद आपको लेयर को धीरे धीरे खिसकाना है और ऑप्शन वगैरह बॉक्स का आइकन, ठीक है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, मैंने कुछ ट्रांजिशन डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो आपको नीचे खिसकाना है और ऑप्शन है गेट मोर क्लिक करना है और आपने यहाँ से इन ट्रांजिशन को डाउनलोड कर लेना। ओके सो गाइज सबसे पहले गाइज एक ये वाला ट्रांजिशन है गाइज, ठीक है, मैंने इस ट्रांजिशन में क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने इस ट्रांजिशन को लगा लेना है। ये देख लीजिए गाइस ट्रांजिशन लग चुका है और टिक पे क्लिक करा और गाइस जो सेकंड बॉक्स है सो मैं इसमें ट्रांजिशन लगा लेता हूँ। इसमें क्लिक करा और नीचे खिसकाना है और सो मैं इस ट्रांजिशन को लगा लेता हूँ, ठीक है। गाइज देख लिया ट्रांजिशन लग चुका है और गाइस जो इनकी लेंथ है गाइस लंबी है, ठीक है, आपको छोटी करनी होगी तो मैं इसकी लेंथ छोटी कर लेता हूँ। तो गाइज आपको टोटली जो इसकी लेंथ है गाइस 8 सेकंड की बनानी है, ठीक है। सो गाइज इसकी लेंथ है पर 9 सेकंड हो चुकी है और इतना चल जाएगा तो टिक पे क्लिक करा और जो लास्ट में एक बॉक्स छूटा, ठीक है, इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करना है तो मैं कर लेता हूँ। इस बॉक्स में क्लिक करा सो मैं यहाँ से इस ट्रांजिशन को लगा लेता हूँ सही वाले को, ठीक है। सो मैंने इसे ऐड किया और डन पे क्लिक करा। गाइस देख जब पे लेंथ 8 सेकंड की हो चुकी है तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी लंबी कर लेता हूँ। इस लेयर पर क्लिक करा, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा ली मैंने, ठीक है, और टिक पे करा। और गाइज अब इस वीडियो को सेव करना है तो मैं सेव कर लेता हूँ। शेयर पे क्लिक करा, क्वालिटी सेलेक्ट करनी, एक्सपोर्ट भी क्लिक करना। आपने इस तरीके से वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो सेव होने के बाद गाइज आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। साइज सेलेक्ट करना है। साइज सेलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन शो कर रहे हैं, मीडिया क्लिक करना है और आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रही है आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सो मैं उस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, टिक पे क्लिक कर रहा। गाइज देख लीजिए वीडियो आ चुकी है। आपने इस लेयर को फर्स्ट खिसकाना है। खिसकाने के बाद अभी आपने जो वीडियो सेव करी थी उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है तो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन वगैरह लेयर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सो मैंने वीडियो सिलेक्ट कर ली और बगल में कुछ ऑप्शन वगैरह आपको नीचे खिसकाना है और लास्ट में एक ऑप्शन वगैरह ब्लेंडिंग क्लिक करना और आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीन, टिक पे क्लिक करना और अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है। बगल में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, आपको नीचे खिसकाना है और एक ऑप्शन वगैरह क्रॉपिंग क्लिक करना है और आपने इस ऑप्शन को ओपन करना है
और इस लाइन को आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इतना कर लिया, टिक पे क्लिक करना। सो गाइस देख लीजिए इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब करना है कि जो वीडियो वाले लेयर है क्लिक करना, इसका साइज आपको थोड़ा सा बड़ा करना और ऊपर खिसकाना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सेट किया, सेट करने के बाद टिक का निशान है, टिक करना और इसमें एक तलवार ऐड करनी है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, लेयर पर क्लिक करा, मीडिया पर क्लिक करा और आपने उस तलवार वाले PNG को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ छोटी है, आपको खींच कर लंबी कर लेनी है और आपको लेयर फर्स्ट खिसकाना। खिसकाने के बाद जो तलवार है इसका साइज छोटा है, आपको इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना और आपको नीचे खिसकाना और यहाँ पे सेट कर लेना है। तो गाइज मैं पे सेट करता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा है तो मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। करने के बाद ऑप्शन वगैरह इन एनिमेशन क्लिक करना और बगल में कुछ ऑप्शन वगैरह आपको नीचे खिसकाना है। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना, एंटर स्लाइड राइट, ठीक है। और इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है, टिक का निशान है, टिक करना है। और गाइज अब करना है जो तलवार वाली PNG क्लिक करना है और ऑप्शन है इन एनिमेशन क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना फीड और गाइज जो वीडियो वाले लेयर क्लिक करना और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है इन एनिमेशन क्लिक करना और आपको सेलेक्ट करना फीड और टिक का निशान है, टिक करना है। और गाइज अब अपना नाम लिखना है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ। लेयर फर्स्ट खिसकाना है, खिसकाने के बाद ऑप्शन शो कर रहा है, लेयर क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना। गाइज आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक नेम टाइप किया रॉकी, ओके पे क्लिक करा और इसकी लेंथ छोटी आपको खींच कर लंबी करनी है और इस नेम का फ्रॉन्ट चेंज करना है। तो मैं इस नेम का फ्रॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉन्ट क्लिक करना है। सो गाइज मैं इस फ्रॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने इस फ्रॉन्ट को सिलेक्ट किया, टिक पे क्लिक करा और इस नेम का साइज बड़ा करना है और यहाँ पे सेट कर लेना है। नेम सेट करने के बाद बगल में कुछ ऑप्शंस वगैरह, एक ऑप्शन वगैरह इन एनिमेशन क्लिक करना और आपको सेलेक्ट करना फेड, टिक का निशान है, टिक। गाइस देख लीजिए इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है और इसमें एक वीडियो और ऐड करनी है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको लेयर फर्स्ट खिसकाना है, खिसकाने के बाद ऑप्शन वगैरह लेयर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वीडियो आ चुकी है, आपने इस वीडियो का साइज फुल करना है। फुल करने के बाद अपने वीडियो लेयर पर क्लिक करना और आपको इस तरीके से खिसकाना है, ठीक है। खिसकाने के बाद बगल में कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, आपको नीचे खिसकाना है और एक ऑप्शन शो कर रहा है ब्लेंडिंग, क्लिक करना और आपको सिलेक्ट करना है स्क्रीन और टिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए वीडियो और मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है और गाइज आप इसमें ग्लिच भी ऐड कर सकते हो लास्ट में। तो गाइज मैं ऐड कर लेता हूँ लेयर लास्ट खिसका, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है लेयर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ग्लिच ऐड कर लेता हूँ और ग्लिच पे क्लिक करा और इसकी सेटिंग पे क्लिक करा और इसे गाइज इस क्वालिटी को गाइज कम कर लेना, ठीक है। सो गाइज जो ऊपर वाला लाइन है गाइज मैं एक कर लेता हूँ और इसकी लाइन छोटी कर ली। गाइज देख लीजिए ग्लिच ऐड हो चुका है, ये देख लीजिए। और यार वीडियो मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी नेम आर्ट स्टेटस वीडियो बना सकते हो। और गाइज अब इसमें म्यूज़िक ऐड करना है, इसमें पहले से म्यूज़िक ऐड है, ओके। तो गाइज इस वीडियो को कर लेते हैं अपने मोबाइल में सेव। सेव करने के लिए एक ऑप्शन वगैरह शेयर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वालिटी सेलेक्ट करी, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन एक्सपोर्ट क्लिक करना। आपने इस तरीके से वीडियो को सेव कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ऐसा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।